सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल एक रवायत बन चुकी है। ब्यूरोक्रेट और सियासतदान आम तौर पर सरकारी गाड़ियों को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने फौरी तौर पर तमाम सेक्रेटरियों से उनके मुतल्लिका महकमों में मौजूद गाड़ियों की तादाद और इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम सेक्रेटरियों को हदायत की गई है कि वो एक सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा कराएं कि इनके महकमे और मातहत अदारों में कोई गाड़ी गलत इस्तेमाल नहीं हो रही। चीफ सेक्रेटरी ने खबरदार किया है कि जिस महकमे में गाड़ियों का गलत इस्तेमाल पाया गया उसके सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम सेक्रेटरियों को हदायत की गई है कि वो सिर्फ पॉलिसी के मुताबिक गाड़ियां अफसरान को अलाट करें और पॉलिसी के बरखिलाफ दी जाने वाली गाड़ियां वापस ले लें और रिटायर्ड या ट्रांसफर होने वाले अफसरों से भी फौरी तौर पर गाड़ियां वापस ली जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियों से खुद मुख्तार इदारों मुलहका महकमों और PMU की गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के बाद तमाम महकमों ने अपने तौर पर गाड़ियों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है जबकि अफसरों ने घरों में खड़ी गाड़ियाँ दफातर में पार्क करना शुरू कर दी हैं। पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ सेक्रेटरी को ये इख्तियार हासिल है कि वो सरकारी और निजी तौर पर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान को 1000 CC की गाड़ी सिर्फ पूल में फालतू होने की सूरत में मुहैया की जा सकती है। अब देखना यह है कि चीफ सेक्रेटरी कहां तक गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने और अफसरशाही से गाड़ियां वापस लेने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, सिविल सेक्रेटरी।